बच्चों को बहुत सी माताएं संस्कार तो देती हैं, लेकिन बच्चों में संकीर्णता भी बहुत होती जाती है। हाँ, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, धर्म के मिलने में छोड़ काम करते हैं, धर्म की भाइयां रहते हैं, जिसमें भी मंदिर भी जाते हैं, शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन एक जगह मन बड़ा उदास हो जाता है सुन करके। ऐसे कई बच्चों को देखा हमने, बहुत से बच्चे पता चल रहे हैं महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन हम अपने चाचा और अपने ताऊ को प्रणाम नहीं करते, हम अपने चाचा ताऊ के चरण नहीं छूते। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पाप हमारे चाचा ताऊ से झगड़ा है ना, इसलिए बोले जाते हैं। ऐसे संस्कार मत आने देना बच्चों की, नुकसान आपका ही होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सत्यता क्या है कि भले ही क्योंकि जहां चार बर्तन होते हैं वहां बचते ही बचते, यदि भाई भाई का झगड़ा हो भी जाए तो बच्चों के ऊपर भूल करके भी कभी इसका प्रभाव मत आने देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान। निवेदन करूंगा यही शिक्षा तो बच्चों को नित्य प्रातः काल से ही अपनी बड़ों के चरणों में प्रणाम करो। प्रभु श्री राम जी अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण तक अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करते थे। केवल निवेदन इतना ही, भले भाइयों में झगड़ा रहे लेकिन बच्चों को नित्य अपने चाचा ताऊ अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़ों के आशीर्वाद से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है। देखो कितने सारे हो रहे हैं बड़े आगे इसमें है कि बातों कभी भी प्रशंसा रूपी मालूम कहना, यदि कहीं प्रशंसा रूपी माला यदि कहीं आपने पड़ोसियों के द्वारा पहन ली, अशर्म हो जाओगे। ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये पड़ोसी सबसे अच्छे होते हैं, ऐसी बात कई बार ऐसा देखा, ऐसा नहीं पड़ोसी बेकार हो, अभी हमारे यहाँ के पड़ोसी नाम भी बहुत अच्छे होते जाते हैं, हर पड़ोसी की बढ़ाई नहीं करेंगे आपकी भी अच्छी होगी। लेकिन कई बार देखने को मिलता है, कई बार जो देखते हैं कि इस प्रकार के सामंजस्य है, कितनी एकता है, तो कई बार लोगों को हमारी घर की एकता अच्छी नहीं लगती, तो परिवार को क्योंकि यदि परिवार में एकता है तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा, तो परिवार को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले बच्चों को बुलाते हैं, तो बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे, घुमाने के लिए जाएंगे पड़ोसी, और क्या करेंगे पता है, बच्चे के सामने बच्चे से कहेंगे अरे बेटा तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल देखता है, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल गऊ बिल्कुल सीधी, तुम्हारे जो चाचा है ना बड़े खड़ूस है, अरे तुम्हारे ताऊ नहीं अरे वो बहुत गंदे हैं, चुगली करते हैं, क्यों पुलिस से घर की बात ली जाए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, कोई परिवार के बारे में जरा भी निंदा करे मत सुनना, मत सुनना भाई, मत सुनना। और एक बात हो, भगवान को सबसे अच्छा पता है कौन लगता है, जो परिवार को जोड़ने का काम करता है, और सबसे बुरा कौन, जो परिवार को तोड़ने का काम करता है। भगवान को माना चाहते हो, कभी भजन ना कर पाओ, नाटी ना कर पाओ, चपमारा ना कर पाओ, तीर्थों की यात्रा ना कर पाओ, लेकिन भूल करके भी कभी किसी परिवार को तोड़ने का काम मत करना, परिवार प्रभु भी आपको दूर हो जाए, प्रभु भी हमें नाता जोड़ देगा, छोड़ो।